रामनवमी शोभा यात्रा समिति आप सब से निवेदन करती है कि आने वाली 30 तारीख यानी कल सभी अपने घरों से बाहर आकर शोभा यात्रा का स्वागत करें। बाहर कर रखी हुई गाड़ियां दिल्ली पुलिस द्वारा उठा ली जाएंगी, जिनका श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति से कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। श्री राम सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, कल है 30 तारीख श्री रामनवमी, और आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की ओर से श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइज, जैसे कि कल श्री रामनवमी शोभा यात्रा हमारे ख्याला विष्णु गार्डन बहुत ही भव्य रूप से निकाली जा रही है, और इसी के लिए आज श्री रामनवमी सेवा समिति के जो मेंबर्स हैं वो सभी रोड आज निकलेंगे रूट पे, और सभी रूट पे सभी मतलब पूरे रूट की व्यवस्था को देखेंगे, कहीं पे कोई ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं जिससे हमारी रामनवमी शोभा यात्रा को कोई दिक्कत हो। और गाइस, हो सके तो कल श्री रामनवमी शोभा यात्रा में आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आकर श्री रामनवमी शोभा यात्रा को और भी भव्य रूप दें। और अब गाइस, ज़्यादा समय न लगाते हुए अब चलते हैं रामनवमी सेवा समिति मेंबर्स के पास में, और उनके साथ वो रूट पर चलते हैं, देखते हैं, और लास्ट में मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा जहाँ से श्री रामनवमी शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। सो गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चलते हैं। सो गाइस, आज की जो हमारी रैली निकल रही है, शोभा यात्रा जो निकल रही है, वो सभी रूट पे घूम के सभी लोगों को बताया जा रहा है कि कल की हमारी रामनवमी शोभा यात्रा जो कि बहुत ही भव्य रूप में निकलने वाली है। तो अभी इसीलिए पूरे रूट में सारे रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सभी सदस्य मेंबर्स सभी रूट पे घूम के और सभी को बता रहे हैं कि कल श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, तो उस प्लस में सभी को टाइम से पहुंचने के लिए बताया जा रहा है, और साथ के साथ ही सभी लोग इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय श्री राम। गाइस, अभी रामनवमी शोभा यात्रा के मेंबर्स के सभी सदस्य अभी हमारे इधर से भी निकलेंगे, क्योंकि हमारा रोड भी इसी रूट पे आता है, और अभी वो लोग आते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करें। जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम भैया जी, जय श्री राम। ठीक है, श्री रामनवमी शोभा यात्रा कल आपके क्षेत्र में पाँच बजे पहुँचेगी। आपसे निवेदन है कि बाहर निकल कर श्री रामनवमी शोभा यात्रा का सबसे स्वागत करें और श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, अभी हम रामनवमी शोभा यात्रा समिति के साथ में अभी जाएंगे और पूरा रूट भी देखेंगे। तो गाइस, आप लोगों को कल का जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा का ब्लॉग जो देखने को मिलेगा, एक नंबर का ब्लॉग होगा, और क्योंकि कल हमारी बहुत ही भव्य रूप में श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके श्री रामनवमी शोभा यात्रा को और भी भव्य रूप देंगे। और श्री रामनवमी शोभा यात्रा में आने का जो जय श्री राम, और श्री रामनवमी शोभा यात्रा में आने का जो समय है दोपहर के 1 बजे का है, और स्थान है ख्याला विष्णु गार्डन नियर बाई तिलक नगर। इसलिए प्रभु राम जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जय श्री राम। किसी की गाड़ी द्वारा क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसमें किसी भी शोभा यात्रा के रामनवमी समिति की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो फिर क्या चाहते वो गाड़ियां रास्ते में ना लगाए, रास्ते में साफ रखे, झाड़ू वगैरह लगाकर सुंदर बनाकर रखे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस, अभी हमारी रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्य जो कि मेन है वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाता हूँ, उनसे दिखाता हूँ। ये हमारी रामनवमी शोभा यात्रा है, ये हमारे गौरव जी हैं, पीछे संतोष जी हैं, सुनील जी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस, आप लोग भारी से भारी संख्या में आके श्री रामनवमी शोभा यात्रा की
शोभा को और भी बढ़ाएं और साथ ही साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। ख्याला विष्णु गार्डन जो कि हमारा एड्रेस है, ख्याला विष्णु गार्डन नियर बाय तिलक नगर चौखंडी केशवपुर मंडी के पास। तो गाइस प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके श्री राम भूमि शोभा यात्रा को बढ़ाएं और श्री राम जी के आशीर्वाद को प्राप्त करें। श्री राम बजरंग दल के मेन सदस्य है ख्याला विष्णु गार्डन में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय वीर बजरंगी। श्री राम नवमी भव्य शोभा यात्रा कल यहाँ पर 6:30 बजे पहुंचेगी। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करें और शोभा यात्रा के साथ मिलकर शोभा यात्रा की भव्यता और सुंदर बनाए, सुंदरता का ध्यान रखे, पुष्पों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत करें, जगह जगह रोड पर पानी का छिड़काव करें, रास्ते में कोई भी गाड़ी इत्यादि ना लगवाए ताकि शोभा यात्रा का जो साथ में बड़ी बड़ी झांकियां हैं, टेम्पू ट्रैवल है, उन्हें निकलने में टेम्पू बड़े बड़े ट्राले उन्हें निकलने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति आप सब से निवेदन करती है कि आने वाले 30 तारीख यानी कल सभी सभी अपने घरों से बाहर आकर शोभा यात्रा का स्वागत करें और क्षेत्रवासियों से निवेदन कि अपनी अपनी गाड़ियां कृपया करके कल के दिन इस मार्ग पर ना रखें। बाहर पर रखी हुई गाड़ियां दिल्ली पुलिस द्वारा उठा ली जाएंगी, जिनका श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति से कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति आपसे निवेदन करती है कि 30 मार्च यानी कल सभी अपने घरों से निकलकर श्री राम नवमी शोभा यात्रा का स्वागत करें। श्री राम नवमी शोभा यात्रा समिति आपसे निवेदन करती है कि कृपया मार्ग पर खड़ी हुई गाड़ियों को शीतला माता मंदिर कमेटी और मार्केट एसोसिएशन दोनों से निवेदन, कल 8 बजे यहाँ पर शोभा यात्रा पहुँचेगी। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत, पुष्पों द्वारा प्रसाद लगाकर सुचारू रूप से जिस तरीके से पहले करते आए हैं उसी तरीके से करें। शोभा यात्रा के साथ मिलकर शोभा यात्रा की भव्यता को और भव्य बनाए, बहुत सुंदर तरीके से जगह जगह प्रसाद लगाकर दुकानदारों से निवेदन है कि बाहर निकलकर शोभा यात्रा का स्वागत करें, शोभा यात्रा के साथ जुड़े और शोभा यात्रा की भव्यता को और भव्य बनाए। जय श्री राम। जय श्री राम। सो गाइस अब मैं आप लोगों को वो मंदिर दिखाने जा रहा हूँ, श्री बाबा बालकनाथ मंदिर, जहाँ से कल श्री राम नवमी शोभा यात्रा शुरू होगी और लास्ट में वहीं पर ही आके समाप्ति होगी। सो गाइस चलो चलते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ श्री बाबा बालकनाथ मंदिर, श्री राम नवमी शोभा यात्रा शुरू होनी है। सो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये है श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। सो गाइस अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये जे ब्लॉक विष्णु गार्डन का श्री बाबा बालकनाथ मंदिर है और इसी मंदिर से श्री रामनवमी शोभा यात्रा जो कि कल 30 मार्च को है वो यहीं से शुरू होगी।